इसमें कभी 5 साल कांग्रेस 5 साल बीजेपी का जो दर्रा था वो इससे समाप्त हो जाएगा। बीजेपी परिवर्तन लावेला को विकास करावेला भारत माता के जय हो। मेन मंच बीच में जो लगा हुआ है वहाँ 5 कुर्सी है केवल, और 5 कुर्सी का मुझे जो लगता है एक सीएम साहब, 2 वाइस सीएम साहब, मोदी जी और राज्यपाल महोदय, 5 जनों के लिए फालतू झंझट नहीं। और इसी जोश के साथ हम 2024 में फिर मोदी जी की सरकार लाएंगे। हरा भरा एरिया बनने जा रहा है और खनिज संपदा से भरपूर वहाँ पे। अभी आपको पता होगा जो यूरेनियम सबसे कॉस्टली आइटम होती है वो यूरेनियम हमारे सिवान के अंदर भरपूर मात्रा में पाया गया है। भारतीय जनता पार्टी को एक सामान्य कार्यकर्ता मुख्यमंत्री बन जो मरे भी करो पकड़े, वो भी अपने हमने लड्डू बोल रहे, वो भी एक दिन मुख्यमंत्री बन जो होशियार। जैन के आप देख पा रहे हो जो मुख्यमंत्री जी को शपथ ग्रहण समारोह को जो मंच है एकदम तैयार हो चुके हैं और अब जो भारी संख्या में लोग हैं वे आ चुके हैं। अब बस इंतजार है तो मुख्यमंत्री जी के आभा को, प्रधानमंत्री जी के आभा को, जो शपथ ग्रहण समारोह में आ पड़ा है अभी थोड़ी देर के बीच में, जनता के बीच में पधार पड़ा है। और बाकी लोगों की जो भीड़ आप देख पा रहे हो, मतलब हर तरफ जो है लोगों की भीड़ आपको नजर आ रही है क्योंकि लोग भारी संख्या में प्रदेश का हर कोना अट्ठे जो शपथ ग्रहण समारोह में आया है। क्या नहीं लाद मुख्यमंत्री जी शपथ ग्रहण में आया होते समारोह में, कटू आया हो भीलवाड़ा से? भीलवाड़ा से बहुत दूर आया, भीलवाड़ा शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री जी देखा कि आए या शपथ ग्रहण समारोह आया हो? शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री दोनों में आए। ज्यादा जोश का है कि मुख्यमंत्री मिल रही बात है या फिर प्रधानमंत्री जी आ रहे शपथ ग्रहण मंत्री उम्मीद है आपको नया मुख्यमंत्री हो जाएगी, बराबर विकास होगा बराबर। तो कई लगे अब जो राजस्थान का भविष्य है वो उज्जवल हो सके। हाँ बस उतर और लगा जाना ना जो मौजूद है क्या लाग रहे की जगह आया हो? मैं आया संगरिया, 500 किलोमीटर है यहाँ से पंजाब बॉर्डर पर और हरियाणा बॉर्डर है। शपथ ग्रहण समारोह आया और जो जनता को जो उल्लास है जो मोदी का नारा लग रही है क्या नहीं लग रही? बहुत बढ़िया लग रहा है, ये एक पहला चुनाव है जो राजनीति का परिवर्तन हो रहा है, इसे कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के बिल्कुल बहुत खुश हैं। जो गुटबाजी थी वो खत्म हो रही है, इसमें कभी 5 साल कांग्रेस 5 साल बीजेपी का जो दर्रा था वो इससे समाप्त हो जाएगा। आप लगे जो परिवर्तन करे नए चेहरे जो मुख्यमंत्री के रूप में राजस्थान ने दिए तो आगे आपका चुनाव है आगे का जो समय भी कई लाग रही की जो परिवर्तन है आगे भी लग रही है? बिल्कुल जी, ऐसी उम्मीद हो गई है, अब कार्यकर्ताओं को विश्वास हो गया है। पहले कार्यकर्ता कुछ निराश चल रहे थे इसी बात को लेकर के भी, हमें तो वही कार्य करना है, बदलता रहता है नेता, बदलता वही आ जाता है, वो बदल जाते सत्ता के वो लोग ही हैं। लेकिन इस बार जो है कार्यकर्ता को इन्होंने मुख्यमंत्री बनाया है और बहुत बढ़िया बनाया है। कार्यकर्ताओं से लेना चाहिए जिन्होंने जमीन से जुड़े हैं, बहुत सालों से वो वर्क कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए शुरू से। तो प्रधानमंत्री जी को देखेंगे फिर शपथ ग्रहण भी देखेंगे, बहुत अच्छा लग रहा है। अब सरकार दोनों इंजन डबल इंजन की हो चुकी है, अब विकास होगा राजस्थान का। मैं जयपुर से क्या नहीं लाल जो भारी संख्या में अभी राजस्थान का हर कोना जो लोग मिल जाए, हर कोना लोग आया, हर जिला आया है। हमारे यहाँ की तो जनता सभी नए मुख्यमंत्री को देखना चाहती है और यहाँ के जो अभी जो नए मुख्यमंत्री निर्वाचित हुए हैं उनके लिए आई है। और यहाँ पे 5-13-5 मेरा वाला खेल चल रहा था तो वो बिगड़ गया है, तो ज्यादा गति से हो पाएगा विकास तो बिल्कुल। सबसे अच्छी बात यह है किसान से जुड़े हैं, छोटे छोटे कार्यकर्ता ने भी सीएम पद तक पहुंच सके कोई बड़ी बात होगी। सबसे अच्छा मैसेज है, सबसे सही अपना काम है पूर्ण कर सके। एक जो मैसेज मिलियो है जनता ने मिलियो, कार्यकर्ता ने मिलियो कि भाई जो पिछली पंक्ति को जो कार्यकर्ता भी ने भी मुख्यमंत्री वास्ते चुने जा रहे हैं, बूथ लेवल को कार्यकर्ता है वो भी सीएम बन सके, सबसे बड़ी बात वो चीज है, बहुत अच्छी बात है। देखने को पहली बार ये देखने को पहली बार मिला है। मैं गांव खेड़ली रासिया इनके गांव से 5 किलोमीटर दूर हूं, मात्र मैं इन्होंने गोदी में खिलाया हूं, मेरे पापा के साथ 9th में 10th में और 11th में साथ साथ पढ़े हुए हैं। अब क्या लाग रही होगी तंग पापा साथ के लिए खेलता बेटा स्कूल में वजलाल जी भी पढ़े हुए हैं, बहुत गर्व महसूस हो रही है कि स्कूल का जो छात्र आप आज मुख्यमंत्री बन गया राजस्थान का, बहुत खुशी है। जान के देख पा रहे हैं जो गजलाल जी अपन गांव का कुछ लोग अगर मिल जाए और भी जिला का लोग मिल जाए, कोई बात स्कूल का जो स्कूल अभी जो पढ़ा है पहले अब जो छात्र पढ़े हमें बहुत जोश है कि भागो जो स्कूल का भाई छात्र में आज मुख्यमंत्री बढ़ाया जैसा आज थांगो आगे जीवन में थांगो भाई एम ए राजनीति में जब जाओ कि कुछ और काम करो। अरे हम तो कंडक्टर रास्ता रोडवेज की नौकरी करेंगे कंडक्टर की। ये जो परिवर्तन हुआ है इससे आम कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ा है, उनका उत्साह बढ़ा है और हर व्यक्ति ये सोचता है कि काम करने वाले आदमी को
कोई न कोई उत्तरदायित्व पार्टी देगी। आज जो गुलाबी नगरी है वह गुलाबी नगरी नहीं, आप भगवा नगरी जो लाग रही है, भगवा रंग में जो रोड रंग रखे है, क्या नहीं लाग रहे? मैं लूणी तहसील में आया हूँ, हमारे लूणी तहसील में 5 वर्ष में कुछ काम नहीं हुआ है, भ्रष्टाचार अलावा कुछ काम नहीं हुआ, पानी खूब समस्या आए और लूणी तहसील में जकराम जी पटेल साहब जीत आए और मैं लूणी बाबा साहब सावेरिया हूँ की बना मंत्री बनाओ और हमारे पानी की खूब समस्या आई, इतनी पानी की समस्या है की आपने बता नहीं सको, लोग पानी वास्ते तरसे नहीं आए, एक टंकर वास्ते 1,000-2,000 दे बहुत दूर दूर पानी लावे, कांग्रेस वाला बातें करिया मैं पानी लाओ पाइपलाइन बिछा दी लेकिन एक बूंद पानी नहीं आयो है और लूणी तहसील में बहुत भारी समस्या है और हमारे लूणी समस्या जोगाराम जी पटेल साहब 1,25,000 वोटो जीते है और 25,000 वोटो लीडो जीते है, हमारे सब लोग सतीश को हमारी एक ही आशा है कि बनान मंत्री बनाओ और हमारे लूणी तहसील हर समस्या का समाधान करो, बाल विकास हो चाहे स्कूल कल्याण हो चाहे शिक्षा हो चाहे और कोई पानी की समस्या है, मुख्यमंत्री और सरकार ने एक संदेश देने सा रही हूँ की मोरे लूणी पंचायत में पानी की समस्या का समाधान करे और युवा बहुत जोश है और बीजेपी परिवर्तन लावेला खूब विकास करवाला भारत माता की जय हो, लोगों में उत्साह है। अब जो है कि मुख्यमंत्री को जो शपथ ग्रहण समारोह, अब आगे कैबिनेट को भी जो है कैबिनेट मंत्रिमंडल जो है भी संगठन दुबारो है गठन हुसी आगे तो जो हर क्षेत्र में लोग आया को जो है भाई बचावे बंग विधायक जो है बंग क्षेत्र बन है जो कैबिनेट देखो मैं आया हूँ, मैं अब तक किसी भी पार्टी का समर्थन नहीं करता था, आम नागरिक के हिसाब से मैं जो व्यक्ति मुझे ठीक लगता था जो विकास की बात करता था उसकी छवि अच्छी होती थी इसी बात करता था, लेकिन आज मैं एक बात कहना चाहूंगा, मेन मंच बीच में जो लगा हुआ है वहां 5 कुर्सी है केवल और 5 कुर्सी का मुझे जो लगता है एक सीएम साहब तो वाइस सीएम साहब मोदी जी और राज्यपाल महोदय 5 जनों के लिए फालतू झंझट नहीं, फालतू महिमा मंडन नहीं, बिना मतलब जनता का पैसा खर्च नहीं और बिना मतलब की ताजे बजाओ का काम नहीं, काम करो सीट पे आए शपथ ग्रहण करो और काम पे लग जाओ, देश की फिजा आपकी फिजा बदल रही है इसकी आवश्यकता है, घर भरने के जो नेताओं के सपने होते थे वो अब धूमिल हो चुके हैं, अब जनता का काम होना चाहिए, जनता का प्रत्येक जनता का आम आदमी का अधिकार है वो विकास के लिए प्रश्न कर सकता है और वो विकास होना चाहिए, लोकतंत्र की यही व्यवस्था है और ये व्यवस्था अब दिखने लगी है। जो लोग मौजूद है जो आया है वे ये कह रहा है कि भाई जो है मंच पर कुर्सी लगी हमको भी आकलन कर लियो कि भाई 5 कुर्सी लगी और कुन कुन वास्ते हो सके, आने है कि भाई जो बहुत ही साधारण तरीका बहुत ही सिंपल तरीका जो है शपथ ग्रहण समारोह हो रही है कोई ज्यादा जो दिखाओ नहीं हो रही है, क्या लाग रहे हो मोदी जी बड़ा थोड़ी देर बाद मोदी जी के बाद और वसुंधरा के साथ में ठीक है और फतेहपुरी के साथ में अच्छा ठीक है ना, इसीलिए हमारा जनता का काम कुछ नहीं हुआ 5 साल के अंदर उड़ा हुआ पानी 5 साल तक कांग्रेस सरकार ने पिलाया ठीक है ना, और हमारे को गाड़ियां लगाने को कोई सुविधा नहीं दी है ठीक है ना, मोदी जी ने कई लागू किए है ठीक है ना, इसीलिए हम यहाँ से नाराज हैं। अब नया जो बीजेपी की सरकार बनी है राजस्थान में, नया मुख्यमंत्री मिला है राजस्थान में, तो कई उम्मीद करो आगे जो बहुत बुराई है आपको उसको छपो अब आगे विकास की जो प्रोग्राम वास्ते उम्मीद करो थे आप बिल्कुल करेंगे, हम फिर से विदेशी में रहे हैं और बीजेपी में रहेंगे ये बात है। पोखरण आए हमारा नाम है जसराज सिन्हा शेख, तो ये रे लिए कि मोदी जी ने हर दीनदयाल उपाय प्रधानमंत्री स्कीम लाइट की जोड़ाई 10 साल आने के बाद में हर ऐसा गांव है जिसको कोई भारत रे मो ऐसा कोई डोनी बाकी नहीं रही है आज तक भी नहीं रही है, मोदी जी ने पूरे अपने सत्र साल में भी जो काम नहीं हुआ कांग्रेस ने जो किया है, अभी भी ये बात है कि लाइट और पानी ये मोदी जी ने भी किया बीजेपी राज ने किया है और बिल्कुल मोदी जी सेवा करेगा, हमारी मोदी जी को ये कार्य है हमारे एक संत है प्रतापरी जी महाराज ये गरीबों का है मसीहा 5 साल आया है तो पहले कुछ सपोर्ट से उनकी थोड़ा कोई हार दिया था नवादा होते है लेकिन प्रशासन की कुछ चीटिंग होके भी उन्होंने फर्जी वोट धरा फर्जी स्वामी विवेकानंद ने भी धरा के अपनी विजय कोशिश की थी, लेकिन हमारे प्रतापरी जी महाराज आज 35,782 वोटों से भी उन्होंने विजय करी है, लेकिन आम जनता के बीच में हारिया तो भी है हार भी दुख दर्द में क्या है, इनको भी अच्छा मोदी जी और मैं ये राजस्थान सरकार को भी है गोडा मांगनी से आया मैं क्योंकि मुश्किल है हमारा लात राम जी मुश्किल है मेरे लगते थे बहुत बढ़िया लग रहे हैं मोदी जी के आज मुख्यमंत्री सफल है अपने वास्ते में गोडा मांगनी से बदरिया के मुश्किल साफ गोडा मांगनी से
वापस आए हैं और मोदी जी के राज में डबल इंजन की सरकार में बहुत अच्छे विकास की उम्मीद है। हमारे वहाँ लाइट पानी की समस्या है तो हमें लगता है कि हमारे एमएलए साहब सरकार के साथ में मिलकर बहुत अच्छा काम करेंगे। ये हमें मोदी सरकार से और नई सरकार से उम्मीद है, इस उम्मीदों के साथ हम यहाँ आए। उम्मीद राखे वो सरकार राखे उम्मीद वास्ते आया हूं शपथ ग्रहण समारोह में और कतो भाई जोश है मोदी जी हमारा थोड़ी देर में जनता के बीच में। बहुत बढ़िया जोश है और इसी जोश के साथ हम 2024 में फिर मोदी जी की सरकार लाएंगे। सभी से आशा करते हैं कि मोदी ये सरकार बहुत अच्छा काम करेगी। सिवाना से हमारे अमीर सिंह जी विधायक है, तीसरी बार जीते हैं और अमीर सिंह जी बहुत दमदार और अच्छे नेते हैं और उनको मंत्री बनना चाहिए, हमारी यही मांग है। क्योंकि आतोड़े राजस्थान में हमारे दबंग नेता अमीर सिंह जी बायल है, जो मंत्री बना दिया जाए तो ये हमारा पिछड़ा क्षेत्र है वो विकसित हो सके। और हमारी मांग यही है पानी की, ज्यादातर नदी जुड़ जाए, लूणी नदी में मीठा पानी आ जाए तो इधर का एरिया बहुत अच्छा हरा भरा बन जाएगा। वो बात संभव जब हो पाएगी जी, हमारे अमीर सिंह जी विधायक साहब मंत्री बन जाए तो ये हमारे राजस्थान आतोड़ा राजस्थान बोलते हैं वो संपन्न हो पाएगा। हमारे खनिज भी हर तरह के हैं वहाँ पे, वो खनिज के भी नए नए प्रकार से जांचे करवाएंगे तो वहाँ पे अथंग खनिज है जो भारत सरकार को भी बहुत सारी इनकम होगी। ये जो बताया कि बड़े खनिज वगैरह निकला करे तो बट कोई आम जनता है जो जो नौकरी वगैरह मिल सके वो खनिज जो है भी मत काम करे तो। बिल्कुल मैडम, हमारे वहाँ पे ग्रेनाइट की खाने है, वहाँ पे लाखों मजदूर काम करते हैं और तेल के कुएं है वहाँ पे स्थानीय लाखों लोग काम कर रहे हैं। ये अभी रिफाइनरी लग रही है, रिफाइनरी में भी लाखों लोग काम कर रहे हैं, वहाँ पे रोजगार अभी उत्पन्न हुआ है। पहले बाड़मेर के नाम से लोग जैसे प्रेस करते थे परंतु अभी बाड़मेर एक हरा भरा एरिया बनने जा रहा है और खनिज संपदा से भरपूर वहाँ पे। अभी आपको पता होगा जो यूरेनियम सबसे कॉस्टली आइटम होती है वो यूरेनियम हमारे सिवाना के अंदर भरपूर मात्रा में पाया गया है, ताकि वहाँ पे ये यूरेनियम ये जो बड़े बड़े बम बनते उसमें काम आता है, जो हमारे भारत में जीरो है। हम बाहर से एक्सपोर्ट करके मंगवाते हैं, करोड़ों रुपए हमारे लगते हैं। अभी हमारे ये सिवाना के अंदर बहुत बड़ा भंडारण इसका मिला है तो इसीलिए मेरा यही निवेदन है माननीय अमीर सिंह जी विधायक साहब को मंत्री बना दिया जाए तो हमारे काफी काम आगे बढ़ जाएंगे। उम्मीद करो कि आगे जल्द विकास हो सके बाड़मेर। बिल्कुल हम यही आशा करते हैं। पहले क्या होता था, पूरे राजस्थान में कोई भी अधिकारी बदमाशी करते थे सब दाढ़ी लगाते थे कि उसको बाड़मेर लगा दिया जाएगा, तो अभी बाड़मेर आने के लिए अधिकारी मोहित होते हैं। पहले तो धमकी दे रही भाई थी फुलटो कर तो भेज दिया, मतलब सजा के तौर पर बाढ़ में भेज दिया और अब जो लोग है बाढ़ में हमारी कुछ मांग कर रहे हैं बाढ़ में भेज दिया। मैं मेवाड़ से आया हूँ और विधानसभा मेरे यहाँ से अब्दुल्ला जी जुनियर जीते हैं, जो भारतीय जनता पार्टी से बहुत ही अच्छे कर्मठ और कार्यकर्ता। हम यही मांग करते हैं हमारे अब्दुल्ला जी जुनियर को मंत्री बनाए और डबल इंजन की सरकार बनी है राजस्थान में और केंद्र में भी बहुत ही अच्छे मोदी जी बैठे हुए हैं। वहाँ बेरोजगारी है, कांग्रेस सरकार में जो भी है वो सब खत्म करे और बढ़िया मजबूत सरकार बनी है तो आगे से आगे हमारे को भी पहुंचाए। डूंगरपुर का लोग बताओ भाई मांगे हमारे बीएफसी क्षेत्र डूंगरपुर वागढ़ में पूर्व की सरकारों द्वारा ओबीसी को जो सब्सिडी आरक्षण मिल रहा है 27% उसको बिल्कुल ही बंद कर रखा है। हमारी वर्तमान सरकार वर्तमान सरकार से भी यही मांग है कि पीएफसी क्षेत्र में भी ओबीसी आरक्षण दिया जाए। वहाँ के लोग काफी परेशान है, इस आरक्षण की मांग लंबे समय से कर रहे हैं परंतु मिल नहीं पा रही है। ओबीसी से भी रिक्वेस्ट है कि ओबीसी आरक्षण के ओर ध्यान देवे। हमारा यही उद्देश्य है कि राजस्थान में जो सुशासन व्यवस्था चल रही थी उसी सुधार हो, नई सरकार को नए तरीके से कार्य करे जिसमें शासन व्यवस्था बनी रहे, कानून व्यवस्था बेहतर हो और महिला सुरक्षा हो, जिसमें सरकार का एक अच्छा वातावरण मिले राजस्थान को। मैं खड़ा हूँ, बहुत देर हूँ, जगह नहीं मिल रही बेड वाला। रात्रि आ गया मैडम, राधे राधे निकल गया उठे अब तो जुनून है सरकार चेंज हो पाओ और यानी एक मैसेज दे पाओ कि जनता पलट भी देवे, पलट के बाद जश्न भी मनावे। जो जश्न मना पाया मेडेट कपासन में आया, हमारा विधायक साहब पांचवी बार विधायक बनिया है और कपासन में विकास की गंगा बही है एंड पांचवी बार विधायक बना में चावा होम मिनिस्टर बने, सब बड़ा मिनिस्टर बने, ये आशा लेने यहाँ और जश्न मनावा ये कुशासन को और ये जितना भी भ्रष्टाचार भी हो, चाहे बेरोजगार भी हो, चाहे और
और कोई भी यार नेम विकास तो नेम ठप कर दीजो। आपका विधायक ने पैसा के लिए योजना चलाई लिस्ट में चार साल तो बड़ी नदारत दिया लिस्ट का साल में खाली है चुनावी फंड देवा के लिए विधायक ने ये योजना चला चाहिए अरे वाले बदल लीजो और बदल को आज जश्न मना दिया परिवर्तन सरकार को तो ये साथ मुख्यमंत्री को भी है तो मुख्यमंत्री को परिवर्तन ज्ञान लौटा दिया मुख्यमंत्री को एक एक जो आप भारतीय जनता पार्टी को एक सामान्य कार्यकर्ता मुख्यमंत्री बन जो मरे भी करो पकड़े वो भी अपने हमने लड्डू वोट वो भी एक दिन मुख्यमंत्री बन जो होशियार भाई जो है बहुत खुश लग रहा है अभी ये लग रहा है की जो कार्यकर्ता ने जो मैसेज दिया बीजेपी पार्टी कार्यकर्ता मुख्यमंत्री बनाया तो एक मांग मन में लड्डू फूट रहे आगामी जो मुख्यमंत्री के रूप में खुद ने देख रही है वो मुख्यमंत्री जितना उत्सव काम कर रहे हैं उतना उत्सव में उठे वर्कर में काम कर रहा है अभी आप जो पूरा माहौल और शपथ ग्रहण समारोह को वो देखा लोगों को जो उल्लास और जोश हो मकसद में देखा राजस्थान की और भी खबर देखभाल के लिए झलको राजस्थान में जरूर सब्सक्राइब कर जो इधर आप खुदरी भाषा में राजस्थानी में आप जो खबर है देख सको इसलिए वीडियो ज्यादा लाइक करो शेयर करो कमेंट करो।